अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। आपको ये शेप दिया हुआ है, आपको ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगेन जिसके अक्रॉस निकालना है उसको हम क्या करें, इस वायर को दोनों साइड से पकड़ के खींच दें। तो क्या हो जाएगा, आपका कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ये दोनों जो हैं वो कैसे हो जाएंगे सीरीज में। तो 5 5 कितना हो जाएगा सीरीज में 10, और इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल 5, तो आ जाएगा 10 ओम 5। और ये वाला रेजिस्टेंस इस साइड और ये वाला रेजिस्टेंस इस साइड, मतलब 5 ओम एंड 5 ओम। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब 10 और 5 का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। तो 1/R = 1/10 + 1/5, दैट इज 10 LCM 3/10, दैट इज 10/3। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो 5 10/3 + 5, तो 5 5 10 and 10 + 3.33 = 13.33 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस सर्किट में ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, जबकि हर एक वैल्यू क्या दी हुई है आर, हर रेजिस्टेंस आर है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा कि अब ए बी के अक्रॉस तो निकालना है, अब कौन सीरीज कौन पैरेलल, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ मैं इस ए को पकड़ कर ऐसा ले जाता हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इस ए इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने ए को इधर से उठा के कहाँ रख दिया, इधर। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। अब आप क्या कीजिए, आप वही पुरानी ट्रिक यूज़ कीजिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स लेने हैं। कौन कौन से पॉइंट, ए बी और ई, तो एक ही पॉइंट है, बी सी और डी, 4 पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, ए बी सी डी, 4 पॉइंट आपने ले लीजिए। अब देखिए ए बी के बीच कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। फिर देखिए ए और सी के बीच कनेक्शन कितना है, आर। फिर देखिए ए और डी के बीच कनेक्शन कितना है, आर। फिर सी और बी के बीच कनेक्शन कितना है, आर। और सी और डी के बीच कनेक्शन कितना है, आर। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो उसको वायर को सीधे खींच लीजिए या डॉट बना के आप रजिस्टर को क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास अगर रजिस्टेंस सी डी के अक्रॉस निकालना होता तो आपके पास सीधे सीधे क्या होता, ये सीरीज और तीनों क्या हो जाता, पैरेलल। बट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालना है, ए बी के अक्रॉस निकालना है। तो अब आप इसको सीरीज सीरीज पैरेलल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको ये लाइन आपको दिक्कत दे रही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो देखिए R/R = R/R, मतलब ये तो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन बन गया। इट मीन्स दैट कैन बी रिमूव। तो हमारे पास अब क्या बचा, ये आर आर और ये आर आर, ठीक है। तो मतलब हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास सिंपल सा ये सर्किट बचा। अभी क्या हो जाएगा 2R, ये भी कितना हो जाएगा 2R, और 2R 2R पैरेलल में कितना हो जाएगा आंसर R। तो मतलब कि इस सर्किट का टोटल आंसर कितना आ गया, R ओम। मतलब अगर हर एक ब्रांच 2 2 ओम की होती तो कितना आता, 2 ओम, 3 होती तो 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है हर एक जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम का है, और हमें किसके अक्रॉस निकालना है, रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। अब अगर अपन फिर से देखें तो आप देखिए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी ई ए, क्या आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, ये देखिए ए सी बी ई ए। तो आप देखेंगे इस क्वाड्रिलेटरल में ये ए सी अपॉन ए ई इक्वल टू बी सी अपॉन बी ई, ये देखिए, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। पहले तो आपको ये कोऑर्डिनेटर दिखाई देना चाहिए, 4 साइड वाला, ठीक है। तो अब फिर क्या हो जाएगा, जब ये बैलेंस कंडीशन हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है मतलब सी ई, ये क्या हो जाएगा निगलेक्ट, मतलब ये हट गया, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे वाले में देखिए ए एफ बी डी ए में, अगेन 2/2 2/2, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो हमारा जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमारा ये वाला रेजिस्टेंस हट गया और ये वाला रेजिस्टेंस हट गया, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये 2 2 2 2 2 2 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 2 4 4। तो कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा 4 4 2 4 4। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, दैट इज 1/R = 1/4
प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर एलसीएम फोर वन प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन सिक्स अपॉन फोर तो टोटल वन इक्वल वन अपॉन आर इक्वल टू थ्री अपॉन टू तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा टू अपॉन थ्री ओम। ठीक तो हमें क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि अगर कहीं भी बैलेंस कंडीशन बन रही है तो उसको हमें क्या कर देना है उसको व्हीटस्टोन ब्रिज लगा देना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अब इस क्वेश्चन में हमें देखिए यहाँ ए बी का क्रॉस निकालना है तो ध्यान से देखिए अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा स्प्लिट कर दें तो हम देखेंगे कि एट और टू पैरेलल में हैं ए पॉइंट पर ए पॉइंट जुड़े हुए हैं और इस पॉइंट जुड़े हुए हैं। ऐसे ही फोर और सिक्स बी पॉइंट जुड़े हुए हैं और इस पॉइंट जुड़े हुए हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं तो एट और टू फोर और सिक्स एंड फोर फोर। अब अगर इस टाइप को बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। तो क्या हो गया एट और टू पैरेलल थे तो इनका आंसर आया कितना एट अपॉन फाइव। आप सॉल्व कर लीजिए वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन टू दैट इज वन प्लस फोर अपॉन एट दैट इज एट फाइव अपॉन एट तो आर इक्वल टू कितना आ गया एट अपॉन फाइव। ऐसे ही वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन सिक्स तो एलसीएम ट्वेल्व तो थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव पॉइंट ट्वेल्व सो आर पी इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन फाइव। अब इन दोनों को सीरीज में हो गया तो कितना आ जाएगा एट प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी अपॉन फाइव इक्वल टू फोर ओम और ये भी कितना ऑलरेडी फोर ओम तो मतलब हमारे पास तीन रिलेशन कितने हो गए फोर प्लस फोर प्लस फोर। अब तीनों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा फोर अपॉन थ्री ओम तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा फोर अपॉन थ्री ओम। नाउ अब आपको एक टास्क देनी है एक क्वेश्चन आपको खुद करना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए जी एंड ऑल्सो फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब आपको सर्किट में बता दूं आपके पास एक क्यूबॉइड है या क्यूब है जिसका हर एक साइड जो है वन ओम का है और उसके डायगोनल के अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो आपको ये डायगोनल के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट हर एक ब्रांच में फाइंड करनी है। सो दैट इज योर टास्क यू हैव टू कंप्लीट इट।